जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर ऑनलाइन क्लासेस SRPS बस्ती। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्टिविटीज 2.12 एंड सम अदर एक्टिविटीज आल्सो। सो इन फर्स्ट एक्टिविटी वी हैव टू पुट अबाउट 2 ग्राम सॉयल इन अ टेस्ट ट्यूब। सॉयल मीन्स यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर सराउंडिंग। ओके, अपने आसपास से कहीं से आप थोड़ा सा सॉयल लें, उसे टेस्ट ट्यूब में लें और फिर उसमें 5 ml वाटर लें, उसे शेक करें मिक्स करने के लिए टेस्ट ट्यूब में। ओके, मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। ऐसे टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम सॉयल लिया, इसमें वाटर फिल कर लिया। ओके, वाटर के साथ उसे शेक किया कि वो मिक्स हो जाए। फिल्टर द कंटेंट एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब। ओके, यानी इसे मिक्स करने के बाद हम इसे फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के लिए ये फनल है। ओके, फनल के नीचे हम कलेक्ट करेंगे इसे। सपोज इट इज़ कॉनिकल फ्लास्क। ये फनल में आपको पहले एक फिल्टर पेपर लगाना होगा, जिसे हम जो सर्कल फिल्टर पेपर होता है इसे हम मोड़ के ऐसे बना लेते हैं और इसमें फिट कर देते हैं। ओके, अंदर की तरफ फनल में फिट हो जाता है और फिर इस सॉल्यूशन को हम इसमें और करते हैं, जिससे फिल्टर हो जाता है। तो फिल्ट्रेट जो लिक्विड होगा वो इधर आ जाएगा और जो सॉलिड कंटेंट होगा वो फिल्टर पेपर में ही वहीं पर रह जाता है, सॉलिड कंटेंट। ओके, चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द, यानी फिल्ट्रेट क्या है, ये लिक्विड सॉल्यूशन जो फिल्टर होने के बाद आता है उसे हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है दैट फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, यानी कि पीएच पेपर। ओके, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, पीएच पेपर, जिसका कलर लाइट येलो है वो एसिड में रेड कलर देता है, बेस में ब्लू कलर देता है और न्यूट्रल में लाइट ग्रीन कलर देता है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन योर रीजन। ओके, तो आपको ये पहले बताना है कि आपके सराउंडिंग में जो सॉइल था जिससे आपने कलेक्ट करके ये एक्सपेरिमेंट किया, उसमें आपका पीएच क्या आया, यानी वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। और उसके बाद आपको ये सर्च करना है, इट्स योर होमवर्क, कि आपको पता चलना चाहिए कि आपको क्रॉप के लिए कैसी सॉइल की ज़रूरत होती है, यानी कि जो पीएच रेंज है सॉइल का वो क्या होना चाहिए जिसमें क्रॉप की यील्ड अच्छी हो, यानी कि अच्छी फसल हो। ओके, सो यू हैव टू सर्च दैट एंड यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। नेक्स्ट एक्टिविटी 2.13, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो। लाइक आपको ये सब नाम लिखे हुए हैं, इसका फार्मूला लिखना है। पोटेशियम हम जानते हैं K होता है, सल्फेट होता है SO4। तो अब आपको लगता है K SO4 सही है, कितने लोगों को लगता है कि K2SO4 होगा या K SO4 होगा या K3SO4 होगा, ऐसे में कन्फ्यूज़न होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको याद रखना है आयंस पता होगा आपको, पोटेशियम पे 1+ होता है, सल्फेट पे 2- होता है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें इसे 2+ करना पड़ेगा, तब ये कैंसिल होगा। तो यानी 2 पोटेशियम आयन चाहिए, इसलिए इसका फॉर्मूला होगा K2SO4, दैट इज़ करेक्ट वन। ओके, सोडियम सल्फेट, सोडियम Na, इस पे भी 1+ होता है, सल्फेट है SO4, अगेन यू हैव टू राइट 2 फॉर 2 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव, ये कैंसिल होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम पे 2+ आयन होता है, सल्फेट पे 2- होता है, तो ये इक्वल है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इट्स फॉर्मूला इज CaSO4। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम आल्सो हैव 2+ एंड सल्फेट हैव 2-, यहाँ पर भी चार्ज बैलेंस है, तो MgSO4 ही इसका फॉर्मूला होगा, यहाँ पर आपको ट्वाइस थ्राइस करने की ज़रूरत नहीं है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आपको पता है Na+ होता है, क्लोराइड का Cl- होता है, तो 1+ 1- कैंसिल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर भी कोई ट्वाइस नहीं होगा, कहीं भी फॉर्मूला लिखने का तरीका यही है। ओके, आपको आयंस याद हैं तो आप लिख सकते हैं। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम पे 1+, नाइट्रेट का मतलब NO3 पे 1- चार्ज होता है, तो सोडियम नाइट्रेट में भी 1+ 1- कैंसिल हो जाएगा चार्ज, और इसका फार्मूला होता है NaNO3। कॉपर सल्फेट का होगा Cu पे 2+ होता है, सल्फेट पे
टू माइनस होता है, टू प्लस, टू माइनस कैंसिल, तो CuSO4 कॉपर सल्फेट आपको पता है ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट Na पे 1+, कार्बोनेट पे 2- होता है, CO3 पे 2- चार्ज होता है, तो इसे बैलेंस करने के लिए Na 2 करना पड़ेगा, तब 2+ और 2- कैंसिल होगा, इसका फॉर्मूला होगा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम मीन्स NH4+, ओके, अमोनियम आयन इसे बोलते हैं। अमोनियम क्लोराइड है, Cl पे 1- होता है, तो NH4Cl, 1+ 1- कैंसिल हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया NH4Cl। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटीज़ में था, ये मैंने आपको सॉल्व कर दिया। अब ऐसे और भी सॉल्ट्स होते हैं जो आप पता लगाकर आप उसे लिखेंगे, जैसे अल्मोनियम क्लोराइड, अल्मोनियम सल्फेट, अल्मोनियम फॉस्फेट, ओके, एसीटेट भी होता है, Cl3C2O-, उसके लिए भी आप लिख सकते हैं, कैल्शियम एसीटेट, मैग्नीशियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ओके, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिखिएगा, इसे प्रैक्टिस करिएगा लिखने की, ओके। आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम विच द एबव सॉल्ट मे बी ऑब्टेंड, एंड सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली, फॉर एग्जाम्पल। अब आपको यहाँ पर ये चर्च करना है, ठीक है, एसिड और कौन से एसिड बेस से मिलके ये बना है। सबसे पहले हम इस पर फोकस करेंगे कि NaCl है, NaCl में क्या क्या आयन्स हैं, Na+ एंड Cl-, जब इसे हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो H2O में क्या क्या आयन मिलेंगे इसे, H+ एंड OH-, ओके, तो H+ Cl- के पास जाएगा और ये वाला निगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों अटैच हो जाएंगे, तो क्या क्या बनेगा, HCl बन गया ये, ओके, और उधर बन गया NaOH, यानी ये बन गया HCl और NaOH से मिलके बना है NaCl, ओके। नेक्स्ट इज सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट में Na+ और सल्फेट का मतलब SO4 2- है, यहाँ पर इसे वाटर का H+ मिलेगा और इसे OH- मिलेगा, तो हमारे पास क्या आ गया, फिर से NaOH आ गया, और यहाँ पर HSO4 का मतलब ये बैलेंस करेंगे चार्ज तो बनेगा H2SO4, दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए यहाँ पर बैलेंस करने के लिए चार्ज को, यहाँ 2- था, यहाँ 1+ है, तो इसे ट्वाइस किया जाएगा हाइड्रोजन को, इसलिए इसका फॉर्मूला है H2SO4, यानी बेस और एसिड मिलाकर ये सॉल्ट बना हुआ है। तो कौन सा एसिड और कौन सा बेस है ये आप बता सकते हैं, ओके, कैटेगरी वाइज का मतलब आप इसे बता सकते हैं कि ये वीक और स्ट्रॉन्ग क्या है। आपको पता है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ओके। NaCl एंड KCl बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट, तो यहाँ पर अगर आपको ये बताना है कि किस तरह का है, तो हम बताएंगे कि HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका सॉल्ट जो बना है इससे NaCl वो क्या है, क्लोराइड सॉल्ट है, ये वाला सल्फेट सॉल्ट है, Na2SO4 होता है जो उसमें सल्फेट है, तो सल्फेट सॉल्ट बोलते हैं। सल्फेट सॉल्ट का मतलब सल्फेट तो होगा ही, बाकी उसमें जो कैटायन है पॉजिटिवली चार्ज, वो सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, ओके, तो सिर्फ सल्फेट सॉल्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब उसके साथ कोई भी कैटायन अटैच हो सकता है, ओके, H2SO4 भी होता है लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ओके। हाउ मेनी फैमिली कैन यू आइडेंटिफाई अमंग द सॉल्ट गिवन इन दिस एक्टिविटी, तो यहाँ पर दो हैं, क्लोराइड एंड सल्फेट, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज 2.14, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, और एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारे फॉर्मूले आपको लिखने हैं। देखें तो जो भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आप इस एक्टिविटी में आपको आ गया कि आप ये खुद लिखें, ओके, बता सकता हूँ बट मैं चाहता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। सम अदर सॉल्ट्स अवेलेबल कैन ऑल्सो बी टेकन, ओके, जो भी आपके पास यानी हो लैब में एक्टिविटी के लिए, ये कह रहे हैं चेक देयर सॉलिबिलिटी इन वाटर, यूज डिस्टिल्ड वाटर ओनली, यानी डिस्टिल्ड वाटर का मतलब होता है कि वहाँ पर आपको प्योर वाटर लेना है, उसमें आपको सॉलिबिलिटी बतानी है कि कौन सा उस वाटर में आसानी से डिजॉल्व हो जाता है और कौन सा नहीं होता है, या कौन सा टाइम लेता है सॉलिबल होने में, तो रेडली सॉलिबल बोलते हैं जो बहुत आसानी से सॉलिबल हो, और जो थोड़ा टाइम लगता है उसे बोलते हैं स्पेरेंगली सॉलिबल, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है शेक करना होता है या हीट देने से वो डिजॉल्व हो जाता है, और कुछ होते हैं जो इनसॉलिबल होते हैं, बिल्कुल डिजॉल्व नहीं होते। चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन लिटमस
एंड फाइंड द पीएच यूजिंग अ पीएच पेपर। ओके, यानी कि वो सॉल्यूशन जब आप उसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे सॉल्युबल हो जाएगा, उसके बाद उस सॉल्यूशन का आपको पीएच पेपर से पीएच भी बताना है कि वो एसिडिक सॉल्ट था, बेसिक था या न्यूट्रल था, वो भी आप पीएच पेपर से चेक कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज टू फॉर्म द सॉल्ट, फिर आपको इनका बताना है कि कौन से एसिड और बेस से मिलके सॉल्ट बना हुआ है। तो इससे पहले वाली एक्टिविटी में सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, फार्मूला कैसे लिखते हैं ये आपको सब लिखना है, सॉरी ये फार्मूले लिखने हैं, फिर इसका करस्पॉन्डिंग एसिड और बेस यानी जिससे वो मिलके बना है उसे एसिड और बेस का नाम भी देना है, और स्ट्रांग और वीक एसिड बेस होने की वजह से उसका पीएच क्या होना चाहिए वो आपको गेस करना है। ओके स्टूडेंट्स, देन फर्स्ट यू हैव टू ट्राई, पहले आप अपनी कोशिश करिए, अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर मैं आपको क्लास में डिस्कस करके एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू।